हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आज है हमारी संडे क्यू एन ए वीडियो, जब आपके पूछे गए क्वेश्चन और मेरे आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, टाइम से आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे और आपके सभी क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट कर इस क्यू एन ए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हरमन ने, का क्वेश्चन ये है कि भाई तुम फ्लैगशिप एंड्रॉइड वर्सेस मिड रेंज आईफोन में से कौन सा प्रेफर करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। वन प्लस नाइन आर, एम आई इलेवन एक्स, आईफोन एसी सेकंड जनरेशन और आईफोन टेन आर। तो मैं सिलेक्ट करूंगा वन प्लस नाइन आर और आईफोन टेन आर, क्योंकि आपको जो अच्छी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, परफॉर्मेंस वन प्लस में स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिलता है, आईफोन टेन आर में आपको एक अच्छी चिप देखने के लिए मिलती है, गेमिंग के लिए एलसीडी फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी है, ऐसी सेकंड जनरेशन में जो है आपको बैटरी वगैरह में और स्क्रीन छोटी देखने के लिए मिलती है। इसलिए मैं ऐसी सेकंड जनरेशन चूज नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे तो बजट फ्रेंडली है बट कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे मैं चूज नहीं करूंगा। बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भनो देने, इनका क्वेश्चन ये है आईफोन रिक्वायर्ड पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। आईफोन की खुद की प्रिवेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एप्पल बहुत ज्यादा कमिटेड अपनी प्रिवेसी को लेकर, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा है जार्विस ने, इनका क्वेश्चन ये है हेलो लक्ष्य, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, माय क्वेश्चन इज आई एम गोइंग टू जॉइन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, सो फॉर अ न्यू कोडर विच मैकबुक इज बेटर एयर और प्रो। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो एयर है इस बार का M1 चिप वाला, वो बहुत कमाल का है और प्रो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एयर है तो थोड़ी कम परफॉर्मेंस देगा, प्रो है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्कोर्स की, तो बहुत कमाल के स्कोर्स रहे हैं एयर के भी, तो आपको ऐसा कुछ भी जो है डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज बोलूंगा M1X या फिर M2 चिप वाला जो है मैकबुक एयर आने वाला है 2021 के एंड में, तो अगर आप तब तक वेट कर सकते हो तो आपको बहुत तगड़ी जो है परफॉर्मेंस देने के लिए मिल सकते, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन सिलिकॉन चिप उसमें थोड़े बहुत जो है अप्स एंड डाउन्स थे, तो वो सारे के सारे जो है इस बार एप्पल क्लियर कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे टॉरेक्स ने, इनका क्वेश्चन ये ब्रो जून में कोई सेल आएगी और अगर आएगी आईफोन 11 पे कितना ऑफर आएगा। तो मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूँ कि जून में एक सेल आने वाली है अमेजोन की, मेरे को पता चल गया है और यहाँ पे कंफर्म्ड है। आई होप ऐसे कोई भी अप एंड डाउन ना हो, जैसे पहले भी पैंडेमिक की वजह से जो है हमको देखने के लिए मिला कि हमारी प्राइम डे सेल नहीं हुई, लेकिन इस बार जून में जो है सेल हमारी कंफर्म्ड है और आपको आईफोन 11 44,990 में देखने के लिए मिलने वाला है। आईफोन 12 मेड इन इंडिया के बारे में भी आगे बात करने वाला हूं, तो जरूर इस टाइम सेंस पे जाके आप लोग देख लेना। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो आप अगला क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल सैमिन का, क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्या लगता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें फोन को चार्जिंग में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे और फुल चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से तो ऐसा इतना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, 20-25 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 1-2 मिनट में फुल चार्ज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजी आई है, कोई भी सुपर फास्ट चार्जर क्यों ना आ जाए, इतनी जल्दी कोई भी फोन में जो है चार्जिंग होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन, तो आप अगला क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ का, क्वेश्चन ये है भाई SC2 5G वेरियंट आ सकता है क्या। और सेम क्वेश्चन अभी तुषार ने पूछा आईफोन 11 में 5G आ सकता है क्या। तो मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं कि आपको 5G जो है किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 5G का बैंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 5G की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब अराउंड डबल ट्रिपल होगी 4G से, तो यहाँ पे जो है हम लोग 5G का बैंड नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 5G का बैंड है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको बिल्कुल रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। आप अपने फोन देके जो है 5G का कंपोनेंट नहीं डलवा सकते, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बात कर लेते अगले क्वेश्चन की, तो हमें अगला क्वेश्चन पूछा है रवीन का, क्वेश्चन ये है हाई लक्ष्य, आई वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट द गाइज हू मेक वीडियो अबाउट सेकंड हैंड आईफोन्स यूट्यूबर्स एंड ऑल, सो आर दे डूइंग इट फॉर शो ऑफ और जस्ट मार्केटिंग। सो मेरे को आपको सिंपली ये बोलना है यहाँ पे कि सेकंड हैंड आईफोन्स की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। अभी एक मेरी भी वीडियो आने वाली है आईफोन सेकंड हैंड जो भी रहते हैं रिफर्बिश्ड आईफोन होते हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हाँ बहुत सारे लोग व्यूज के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग जो है फेक आईफोन भी सेल करते हैं, लेकिन यस आईफोन की जो सेकंड हैंड मार्केट है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा है शैशव ने, एप्पल अपने सभी फोन में चार्जिंग केबल की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं देता। तो सिंपली मेरा यहाँ पे ये बोलना है कि आईफोन 12 के टाइम पे लीक आए थे कि एप्पल जो है ब्रेडेड केबल लाएगा, बट पता नहीं क्यों नहीं आया, ब्रेडेड केबल आने वाली थी, हो सकता है आईफोन 13 में आए। एप्पल जो है एक्सेसरीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, फोन पे ज्यादा ध्यान देता है, और जैसे कि आप लोगों ने अभी भी देखा कि अडैप्टर हटा दिया, केबल दे रहे हैं अभी वैसे की वैसे, लेकिन इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है कि आईफोन 13 में ब्रेडेड केबल आएगी, क्योंकि आपको जो नए iMac है उसमें ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिलती है, तो यहां से ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि आपको आईफोन 13 में ब्रेडेड केबल देखने के लिए जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अंशुमन ने क्वेश्चन पूछा है मेड इन इंडिया अब नहीं होगा लगता है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू लीक, एक और स्ट्रॉन्ग लीक यहाँ पे जो हमको
देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकते कि मेरे को ये कहाँ से पता चला, मैंने कॉल किया था कहीं पे, तो वहां से ये पता चलता है कि जो बहुत जल्दी मेड इन इंडिया आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन रुक गई तो प्राइसेस नहीं आ सकते, बेसिकली ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्शन रुक गई है तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर ज्यादा स्टॉक रहेगा तो प्राइस कम रहता है, अगर स्टॉक कम रहेगा तो डिमांड हाई हो जाती है और प्राइस जो है फिर इंक्रीज करना पड़ता है, फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। तो अभी बहुत जल्दी आपको जून में ही मेड इन इंडिया आईफोन 12 देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है कार्ड्स के साथ, मतलब मिलेगा आपको कार्ड्स के साथ ही, डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप जो है आईफोन 13 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी विद HDFC कार्ड या जो भी कार्ड देखने के लिए मिलता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे परभम ने, इनका क्वेश्चन ये है एयरपॉड्स 3 कब आएंगे भाई, बहुत टाइम से वेट चल रहा है। तो अभी 2 दिन पहले मार्क गुरमन ब्लूमबर्ग से जो है उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था कि 2021 के एंड में आएंगे हमारे एयरपॉड्स 3rd जनरेशन और एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन आएंगे 2022 में, उसकी इमेजेस भी आई थी। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है, हम लोग पहले सोच रहे थे कि WWDC में आ सकता है लेकिन WWDC में अब कंफर्म है कि हमको एयरपॉड्स भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो सीधा एंड करते हैं कि 2021 के एंड में जो हमको एयरपॉड्स भी देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रथम ने, इनका क्वेश्चन ये आर यू श्योर दैट मैकबुक प्रो इज कमिंग इन दिस WWDC। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा है फनी शंकर ने, का क्वेश्चन ये है व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ मैकबुक प्रो 14 इंच M1X कैन वी एक्सपेक्ट इन WWDC। तो डेफिनेटली आपको जो WWDC में मैकबुक प्रो देखने के लिए मिलने वाला है 14 इंच और 16 इंच। प्राइसिंग की बात करें तो आई गेस प्राइसिंग सेम रहने वाली है यहाँ पे, 1,20,000 1,25,000 जो प्राइसिंग रहने वाली है, क्योंकि चिप में ही ज्यादा जो है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आपका टच बार हट गया तो वहां की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, उसकी जगह मैक्सिव इंट्रोड्यूस हो रहा है, पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने एक और क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है MD आमिर ने, का क्वेश्चन ये है मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैंने मेहनत से 80,000 रुपीज अर्न किए, आईफोन 12 प्रो लेना चाहता हूँ, 80,000 तक मिल सकता है या फिर आईफोन 12 के साथ जाऊँ आईफोन 13 के लॉन्च के बाद। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा सबसे पहले कि मैं कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं बोलूंगा कि क्या फाइनेंशियली है क्या नहीं है, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि 12 प्रो और 12 में जो है इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लुक्स का है डेफिनेटली। बाहर से लेकर अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता एक्सेप्ट 1 या 2 फीचर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईफोन 12 के साथ जा सकते हो और 80,000 तक मत जाओ। अगर आप वेट कर सकते हो आईफोन 13 का, आपने अगर मेहनत से अर्न किया, आपका शौक है मैं समझ सकता हूं, तो आपको जाना चाहिए 60,000 के साथ आईफोन 12 आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। तो बात कर रहे थे यहां पे आज के लास्ट क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन पूछा है यहां पे टाइटन का क्वेश्चन ये है बिग फैन माय क्वेश्चन इज आईफोन 12 मेड इन इंडिया सबसे लोएस्ट प्राइस में कितना होगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो मैं यहां पे आपको ये बोलूंगा कि आईफोन 12 मेड इन इंडिया का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे 60,000 रुपीज। मैं यहाँ पे किसी को भी कंफर्म कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि प्राइस जो है इतना पक्का आएगा। बहुत लोग बोल रहे थे पॉसिबल ही नहीं है 80,000-60,000 आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करता हूँ कि प्राइसिंग 60,000 पक्का आएगी आईफोन 12 की। बस यही थी मेरी आज की Q&A वीडियो, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।